नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। कानपुर में दो पक्षों में हुई मारपीट, पत्थरबाजी से भगदड़ मची। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर थाना चकेरी अंतर्गत दो पक्षों में हुई मारपीट पत्थरबाजी से भगदड़ मची। थाना चकेरी क्षेत्र की सफीपुर इलाके में दो बच्चों में किसी पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल हो गया था। मारपीट पत्थरबाजी होने व पुलिस कार्रवाई के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी द्वारा दी गई बाइट में क्या कहा गया है, देखते हैं। कानपुर से कैमरामैन बबिता के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। ये सफीपुर में मोहल्ले में, चकेरी थाना अंतर्गत सफीपुर मोहल्ले में रहने वाले रमेश चंद तिवारी जी का बेटा अपने पड़ोस में ही गया था सज्जन निषाद के यहाँ। इसी बात को ले, किसी पुरानी अदावत को लेके दोनों में मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों में पत्थरबाजी हो गई, जिसके संबंध में रमेश निषाद द्वारा धारा 307 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साहिल ठाकुर के नाम भी सामने आ रहा है। साहिल ठाकुर के खिलाफ मुकदमा इन्होंने नहीं लिखाया है और न उसका नाम आया है, हालांकि मेरे यहाँ से वो वांछित है, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। सब क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, ये कहना गलत है। इन लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ही द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और ये जेल से छूट के आए थे। इन पर कड़ी नज़र की जा रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है।